गाइस, माय नेम इज कृषिका, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड टुडे आई बी टॉकिंग अबाउट हेयर। इसलिए बाल खुले रखे हैं। काफी लोग कहेंगे हेयर केयर के बारे में बात करिए, इससे बाल खुल के आई है। ऑब्वियसली हेयर केयर के बारे में बात करूं और पीछे बाल में बन बना के बैठ जाऊं, सेंस नहीं बनता। आई हैव टू शोकेस माय हेयर अगर मैं हेयर केयर के बारे में बात कर रही हूं। सो आज मैं दो टॉपिक्स के बारे में बात करने वाली हूं। नंबर वन इज हेयर मास्क। मैंने मामाअर्थ का एक हेयर मास्क ट्राई किया है एंड इट्स लाइक श्रेया जैन अप्रूव्ड, बिकॉज उनकी वीडियो में शी सेड कि यही सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है जो मामाअर्थ का उनके ऊपर एक्चुअली वर्क किया है। एंड दिस स्पेसिफिकली मेड फॉर डैंड्रफ वाली जो स्कैल्प होती है। एंड आई हैव द सेम प्रॉब्लम स्पेशली इन मॉनसून एंड विंटर्स। सो मैं इसका एक ऑनेस्ट रिव्यू देने वाली हूँ। मैंने अच्छे से ट्राई किया, मैं बताऊंगी इसको यूज कैसे करते हैं, बिकॉज इसके ऊपर जो लिखा है उससे थोड़ा सा हटके मैं इसको यूज करती हूँ एंड इट गिव्स बेटर रिजल्ट, ट्रस्ट मी गाइस। सेकंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट हेयर स्टाइलिंग। अब क्या होता है, हर एक लड़की प्रो नहीं होती हेयर स्टाइलिंग के अंदर। हम इंस्टाग्राम रील्स एंड पहले टिकटॉक के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल्स देखते थे, बंस एंड ऑल, यहाँ से ब्रेडिंग जा रही है, यहाँ से पता नहीं ऐसे ऐसे डिजाइन बना देते हैं बालों पर कि हम वो स्केच पेन से भी नहीं बना सकते बुक के ऊपर। आई नो, आई अंडरस्टैंड, सेम इज फॉर मी। मैं भी हेयर स्टाइलिंग के अंदर बिल्कुल भी प्रो नहीं हूँ, मैं भी ज्यादा हेयर स्टाइलिंग नहीं करती। सो ये बिल्कुल लेजी गर्ल हेयर स्टाइलिंग होने वाली है। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड मेक श्योर आपने नीचे सब्सक्राइब बटन पे हिट कर दिया होगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी, बिकॉज काफी बार लड़कियां कहती हैं अरे आपकी वीडियो आ गई, हमने देखी ही नहीं, हमने एक हफ्ते बाद आपकी वीडियो देखी, बिकॉज आपने बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया एंड आपको नोटिफिकेशन नहीं आ रहे। लेट्स टॉक अबाउट द हेयर मास्क। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है मामाअर्थ का टी ट्री हेयर मास्क। सबसे पहले तो मामाअर्थ के हेयर मास्क इज लाइक सुपर फेमस। मैक्सिमम लोग यही कहते हैं कि हमें मामाअर्थ के एंटायर रेंज के अंदर उनके हेयर मास्क ही पसंद है। एंड अब इन्होंने काफी सारी अपनी वैरायटी बढ़ा दी है हेयर मास्क के अंदर। सो हर एक जो हेयर मास्क है इनका, वो एक एक प्रॉब्लम के साथ डील करता है जो इनके पैकेजिंग के ऊपर लिखी होती है। फॉर एग्जाम्पल ये है टी ट्री हेयर मास्क फॉर डैंड्रफ एंड इची स्कैल्प, यहाँ पर नीचे लिखा भी हुआ है। एंड बैक साइड पे क्लेम करता है ये डैंड्रफ को रिड्यूस करता है, ऑयल को कंट्रोल करता है, इचिंग को कम करता है, स्कैल्प को मॉइस्चराइज करता है। एंड ये कलर ट्रीटेड हेयर के लिए भी सूटेबल है। सो इट्स गुड अगर आपने कोई भी तरह की कलरिंग कराई हुई है तभी भी आपको ये सूट कर जाएगा, बिकॉज द ब्रांड क्लेम्स इट। इसके अंदर टी ट्री ऑयल, आर्गन ऑयल, लेमन ऑयल जो फ्रंट में लिखा हुआ है पैकेजिंग के अंदर, लेकिन बैक साइड पे और भी इसके अंदर ऑयल है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आर्गन ऑयल लिखा है, कोकोनट ऑयल है, लेमन एसेंशियल ऑयल है, देन इट हैज जिंक, पीसीए, सेडरवुड ऑयल, रोजमेरी, ये सारे तरह के इसके अंदर ऑयल्स भी हैं। सो इट्स लाइक गुडनेस ऑफ ऑल काइंड ऑफ ऑयल जो स्पेसिफिकली डैंड्रफ और इची स्कैल्प को कम करता है। इससे पहले क्या है, मैंने जितने मास्क ट्राई किए ना वो सारे स्मूथनिंग केराटिन बेस्ड मास्क थे, तो मैं उनको कभी अपनी स्कैल्प के ऊपर नहीं लगाती थी, मैं उनको खाली अपनी हेयर लेंथ के ऊपर लगाती थी, बिकॉज मुझे नीड ही नहीं फील होती थी उनको स्कैल्प के ऊपर लगाने की। बट ये वाला स्कैल्प के लिए भी सूटेबल है। ऑल्सो ये पैराबेन और सिलिकॉन फ्री है, हाइपो एलर्जेनिक है, सो कोई भी आपको स्कैल्प के ऊपर ऐसा रिएक्शन नहीं देगा, मुझे नहीं दिया है एटलीस्ट। बात की जाए एप्लीकेशन की, जहां पर मैंने सबसे बड़ी गड़बड़ करी, बिकॉज फर्स्ट टाइम मैंने इसकी पैकेजिंग नहीं पढ़ी थी। बाय द वे ऐसे कार्डबोर्ड पैकेजिंग के अंदर आता है, इसकी पैकेजिंग के ऊपर लिखा हुआ है डायरेक्शन फॉर यूज, हेयर को पार्ट करना है दो साइड, देन पाम फुल लेना है हेयर मास्क, एडिक्वेट क्वांटिटी लगानी है टू वेट हेयर एंड स्कैल्प। सो मैंने ये पढ़ा नहीं था, सो मैंने इसको एज अ प्री शैम्पू मास्क लगाना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज मैंने काफी सारे यूट्यूबर्स की वीडियो में देखा था ये वो शैम्पू करने से पहले इस मास्क को अप्लाई करते हैं। बट ये मास्क काफी ज्यादा थिक है, गाढ़ा एकदम मास्क होता है, थिक मास्क है ये। एंड अगर आप बालों के ऊपर थिक मास्क, बिल्कुल सूखे बालों के ऊपर लगाओगे ना, आपके बाल खिंचेंगे, टूटेंगे। लाइक मैंने भी उस टाइम देखा था, मेरे बाल खिंच रहे थे। सो आई वाज लाइक मैं यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर रही हूँ, बिकॉज मेरे बाल काफी ज्यादा खिंच रहे थे इसको लगाते हुए, काफी थिक ये मास्क है। सो तब मैंने इंस्ट्रक्शंस पढ़ी कि ये वेट हेयर और स्कैल्प के लिए बना है। सो मैं फटाफट जाके मैंने हल्के हल्के अपने बाल गिले किए, स्कैल्प को हल्का हल्का वेट किया। आप चाहे तो स्प्रे भी कर सकते हो, बिकॉज ये प्री शैम्पू ट्रीटमेंट है, तो ऑब्वियसली आप बाहर ही अपना नॉर्मल करोगे, आप वॉशरूम में बैठ के तो करोगे नहीं। सो स्प्रे करके एंड देन यू कैन अप्लाई इट ऑन योर हेयर, अलग अलग सेक्शन में भी ले सकते हो। ये मास्क बालों के लिए भी अच्छा है, साथ ही साथ स्कैल्प पर तो लगाओगे, बिकॉज मेन ये वही डील करता है आपके, जहां जहां पे भी आपको लगता है जहां पे आपको सबसे ज्यादा डैंड्रफ इशू है वहां पर इसको ज्यादा अच्छे से कंसंट्रेट करके मसाज करो एंड देन मेकअप बन। सो फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे यूज किया एज अ प्री शैम्पू ट्रीटमेंट, मैंने यूज किया 15-20 मिनट या फिर आई गेस आधा घंटा भी हो गया होगा मैंने इसको रखा, एंड देन आई वेंट टू बाथ। सो जब मैंने इसको हटाया पानी से, इंस्टेंट स्मूथनिंग इफेक्ट मुझे फील हुआ। जैसे आप कंडीशनर एंड अच्छा केराटिन मास्क लगाते हो ना, आपको बिल्कुल वैसा स्मूथिंग इफेक्ट फील होता है, मुझे हटाते ही अपने बालों के ऊपर फील हो गया। सो उसके बाद जब मैंने शैम्पू यूज किया ना, वो इफेक्ट कहीं ना कहीं कम हो गया, बिकॉज उसके बाद शैम्पू ने मेरे बालों को कहीं ना कहीं ड्राई बना दिया। एंड आई गेस कहता भी है कि वॉश इट ऑफ विद सल्फेट फ्री शैम्पू, सो आपको शैम्पू भी थोड़ा सा सल्फेट फ्री वाला यूज करना पड़ेगा। ऑल्दो मेरा सल्फेट फ्री है शैम्पू, बट जो स्मूथनिंग इफेक्ट था ना वो काफी कम हो गया। सो नेक्स्ट टाइम मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको यूज किया एज अ पोस्ट शैम्पू ट्रीटमेंट, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि मेरा वो इफेक्ट सारा कहीं ना कहीं चला गया। सो मैंने वॉशरूम के अंदर ही शैम्पू किया, अच्छे से अपनी स्कैल्प को क्लेंस किया, उसके बाद मैंने इसको अच्छे से सारा पानी निचोड़ किया, बिकॉज अगर हद से ज्यादा गीले बाल होंगे ना तो मास्क निकल सकता है, लाइक अच्छे से स्टे नहीं करेगा। सो आप या तो अपना टावल लेके भी ना हल्का हल्का उस एक्सेस पानी को निकाल दो, हल्का हल्का अपने बालों को डैम कर दो, स्कैल्प को भी थोड़ा थोड़ा सुखा लो, एंड देन इस मास्क को वॉशरूम के अंदर ही मैंने अप्लाई किया स्कैल्प के ऊपर, हेयर लेंथ के ऊपर।
एंड सिंस इसके ऊपर लिखा है 10-15 मिनट इज मोर देन इनफ, सो 15 मिनट तो वैसे भी चले जाते हैं जब मैं लाइक संडेज को बॉडी स्क्रबिंग करती हूँ, मास्किंग करती हूँ, शेविंग करनी होती है, सो स्क्रबिंग, शेविंग, मास्किंग एंड ऑल में लाइक फुट मैंने स्क्रबिंग कर ली, पेडिक्योर कर लिया वॉशरूम के अंदर ही, 10-15 मिनट आराम से निकल जाते हैं, बिल्कुल पता भी नहीं चलते। एंड उसके बाद मैंने इसको वॉश ऑफ कर दिया, सो शैम्पू के बाद जब ये मास्क लगाया तब मुझे लगा हाँ अब जाके मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है, बिकॉज तब जाके मुझे फील हुआ एक अच्छा स्मूदनिंग इफेक्ट भी मिला है। सो ना सिर्फ मेरा डैंड्रफ एंड इची स्कैल्प ट्रीट हो रही है, साथ ही साथ मेरे को बालों के ऊपर भी एक अच्छा स्मूदनिंग इफेक्ट मिल रहा है। सो मुझे इसके बाद कंडीशनर लगाने की कोई नीड नहीं है, सो दिस इज हाउ आई यूज दिस पर्टिकुलर मास्क। टॉकिंग अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ द क्लेम, बिकॉज मेनली यही क्लेम करता है ये डैंड्रफ और इची स्कैल्प के लिए बना है, सो आई कैन से काफी कंट्रोल मुझे लगा, बिकॉज अभी क्या मानसून के अंदर मेरी स्कैल्प थोड़ी बहुत ज्यादा ऑयली है एंड जो डैंड्रफ भी है ना वो स्टिकी स्टिकी वाला डैंड्रफ है, वो फ्लेकी वाला भी डैंड्रफ नहीं है, फ्लेकी वाला डैंड्रफ मुझे विंटर्स के अंदर काफी ज्यादा होता है, तो तब भी मैं इसको अच्छे से टेस्ट करके देखूंगी। बट अभी अगर ऑयल एंड इचीनेस की बात की जाए, आई कैन सी अ डिफरेंस, काफी हद तक मुझे कम लगी इचीनेस। टी ट्री वैसे भी मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट है फॉर एनी काइंड ऑफ डीआईवाई हेयर मास्क एज वेल, ये इचीनेस एंड डैंड्रफ को काफी हद तक कम करता है। टॉकिंग अबाउट प्राइस पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ये है 599 का फॉर 200 ml ऑफ टब, 599 तो एमआरपी होगी, उसके ऊपर आप कूपन कोड लगा सकते हो, मेरा कूपन कोड चलता है इनकी वेबसाइट के ऊपर Kush20, इससे आपको एक्स्ट्रा 20% ऑफ मिलेगा, प्लस इनकी वेबसाइट पे बहुत सारे ऑफर एंड डिस्काउंट भी चलते रहते हैं, सो ऐसा करते करते आपको अच्छा खासा डिस्काउंट इसके ऊपर मिल ही जाएगा। सो उसके हिसाब से 200 ml इज नॉट एट ऑल बैड, कंसिडरिंग द फैक्ट आजकल मार्केट में जो हेयर मास्क आते हैं ना वो हद ज्यादा ओवर प्राइस होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, सो इसके हिसाब से मुझे प्राइस पॉइंट इसका बिल्कुल परफेक्ट लगा। ऑल्सो इट्स लाइक फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स, कोई अननेसेसरी एक्स्ट्रा केमिकल नहीं है जो मेरे स्कैल्प को हार्म करेगा कहीं ना कहीं, बिकॉज मुझे उस टाइम काफी थिक थिक ही लगा था लेकिन इजिली रिमूव हो गया था। ये क्लेम भी करता है पैराबिन फ्री, सिलिकॉन फ्री, हाइपो एलर्जेनिक, सो एज सच मुझे कोई भी स्कैल्प के ऊपर इशू नहीं हुआ। ऑल्सो मामाअर्थ इज नाउ पीटा सर्टिफाइड क्रुएल्टी फ्री ब्रांड, प्लस ये प्लास्टिक पॉजिटिव तो है ही एंड दिस इज मेड इन इंडिया एज वेल, सो एक प्लस पॉइंट हो जाता है। ऑल्सो मामाअर्थ इज अवेलेबल ऑन अदर वेबसाइट्स एज वेल, मामाअर्थ के जो कोड है वो खाली मामाअर्थ की वेबसाइट के ऊपर चलेगा बाय द वे, अगर आप दूसरी वेबसाइट से लेने वाले हो Amazon, नायका, पर्पल के ऊपर भी अवेलेबल है, वहां से भी खरीद सकते हो, लेकिन वहां पे मेरा कोड नहीं चलेगा, आई एम जस्ट क्लियरिंग इट आउट राइट हियर। सो स्टार्टिंग विद लेजी गर्ल हेयर स्टाइल, एज द नेम सजेस्ट लेजी गर्ल, तो ये बहुत इजी होने वाले हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एंड आई मेड श्योर जितने भी हेयर स्टाइल्स हैं ना ये वाले, उसके अंदर आपके फेस के ऊपर बाल ना आए, बिकॉज अभी क्या है कोरोना वाली सिचुएशन चल रही है, कोई भी फालतू के बैंग्स एंड ऑल छोटे हेयर कट मत कराओ, लाइक आई जस्ट सजेस्ट यू एज अ फ्रेंड और एज अ गाइड, बिकॉज क्या होता है जब आप बाल छोटे करते हो या फिर आपके बाल यहाँ तक छोटे होते हैं ना, आप कहीं बाहर जाते हो यू टेंड टू टच योर फेस, जब आप उसको पीछे करते हो ऑब्वियसली आपकी आंख के ऊपर आएंगे तो आप उसको बार बार पीछे करोगे, एंड इन दिस केस आप अपने फेस के ऊपर कहीं ना कहीं हाथ लगाए हुए हो, सो कहीं ना कहीं सेफ्टी साइड के लिए अगर जाना है ना कोशिश करो, या तो पूरे बाल अपने टाई करके रखो या तो बन बना के रखो, या फिर जो मैं अपनी हेयर स्टाइल्स बता रही हूँ वो कर सकते हो ताकि एटलीस्ट आपके फेस के ऊपर बाल ना आए। सो स्टार्टिंग विद हेयर स्टाइल नंबर वन, सबसे पहले तो मैं कॉम कर लेती हूँ, एंड एज आई सेड लेजी गर्ल हेयर स्टाइल है जो मैं मैक्सिमम अपने कॉलेज टाइम पे बहुत ज्यादा करती थी। सो नंबर वन हेयर स्टाइल जो है वो एक सिंपल हेयर स्टाइल है, आपको कुछ नहीं करना, आपने फ्रंट वाला पार्ट लिया एंड यू जस्ट नीड टू ट्विस्ट इट। अब अगर आप इसको पूरे को ट्विस्ट करोगे सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, ऐसे एक ट्विस्ट बन जाएगा, एंड यहाँ से इसको हल्का हल्का उठाया, एंड यू कैन यूज एनी टिक टैक, आई डोंट यूज दोज काइंड ऑफ पिन्स एंड ऑल जो आती है ना, मैं वो यूज नहीं करती, मुझे बड़ी अनॉइंग लगती है वो, मुझे अपनी सिंपल सी टिक टैक बहुत अच्छी लगती है। आप इसको क्रिस क्रॉस मैनर में भी लगा सकते हो, दो लगा सकते हो अगर आपको ज़्यादा वो करना होगा तो, एंड मेरे बाल थोड़े से बेबी हैं सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, एंड इसको आप हल्का सा उठा के क्या कर सकते हो, आप कोई भी अपना जो हेयर स्प्रे होता है ना वो यूज़ कर सकते हो, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा लॉक हो जाएगा। ऑल्सो इससे बाल आपके फ्लैट नहीं लगते, अगर आप बिल्कुल पीछे ऐसे बाल ले जाके क्लिप लगा देते हो ना तो आपका फेस एकदम फ्लैट लगता है, इससे हल्का सा आपको एक अपलिफ्ट मिलता है, एंड सिंस हाइट छोटी है ना तो ऐसे ऐसे हेयर स्टाइल से थोड़ा सा ऊंचा ऊंचा भी दिखता है एंड इट लुक्स गुड। कमिंग टू हेयर स्टाइल नंबर टू, जो वन का ही थोड़ा सा प्रो वर्जन है, लाइक वन वाला जो हेयर स्टाइल था वो तो फटाफट हो जाता है, आपने लिया ट्विस्ट किया एंड क्लिप कर दिया, जो जल्दी में जाने वाला काम होता है। सेकंड वाला जो हेयर स्टाइल है इसमें हल्का सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, लाइक हार्डली 1 मिनट एक्स्ट्रा, लेकिन ये ज्यादा नीट लगता है एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन। सो कुछ नहीं करना, आपको ट्विस्ट बनानी है छोटी छोटी, उसके अंदर आपने एक बनाई थी इसके अंदर मल्टीपल बनाओगे, सो यू कैन यूज योर फिंगर्स, लाइक मुझे टेल कॉम ज्यादा ईजी लगता है, अगर आपके पास घर में टेल कॉम है ना तो ये ज्यादा ईजी रहता है, बिकॉज इससे एकदम स्ट्रेट आपके बाल निकल के आते हैं। सो कुछ नहीं करना, छोटा छोटा सेक्शन लिया एंड ट्विस्ट, आपको जो ट्विस्ट करना है अवे फ्रॉम योर फेस करना है, टुवर्ड्स योर फेस नहीं करना, बेसिकली आपको पीछे की तरफ अपनी ट्विस्ट को लेके जाना है। देन अगेन सेकेंड स्ट्रैंड में लेने वाली हूँ, आप जो भी अपने फेस के फ्रंट पे वाला जो एरिया है वो वाली स्ट्रैंड लोगे, ज़्यादा पीछे वाली स्ट्रैंड मत लेना, बिकॉज फिर वो ये जो ट्विस्ट होगी काफ़ी मोटी बन जाएगी एंड वो क्लिप के अंदर आ नहीं पाएगी,
एंड फिर आपको बहुत सारी क्लिप्स लगानी पड़ेगी उसको सेट करने के लिए, तो काफ़ी लंबा काम हो जाता है। हम खाली फ्रंट वाला पोर्शन ले रहे हैं एंड अगेन ट्विस्टिंग इट लाइक सो, पहले वाले जैसा ही है लेकिन इसके अंदर हमने सेपरेटेड ट्विस्ट करे हैं। सो यू कैन सी इसके अंदर हल्की हल्की आपको लेयरिंग दिखेगी एंड यू कैन पुश इट अ लिटिल, क्लिप लगाने से पहले पुश कर लेना अगर वरना वो क्लिप के अंदर फंस जाते हैं एंड बहुत अजीब से लगते हैं। सो आप हल्का हल्का इसको उठा सकते हो। मैंने यहाँ से ट्विस्ट नहीं निकाली, एक और ट्विस्ट अगर मैं यहाँ से निकालती तो यहाँ पे भी वेव आती, लेकिन मैंने खाली यहाँ से निकाली है एंड अगेन सिक्योर इट विद एनी काइंड ऑफ टिक टैक और बॉब पिन दैट यू वॉन्ट। एक टिक टैक से काम नहीं चलेगा, ये हिलता रहेगा। सो इसको क्रिस क्रॉस मैनर में पीछे की साइड आपको दो ऐसे टिक टैक लगानी पड़ेंगी एंड अगर आप कोई इंडियन फंक्शन एंड ऑल के लिए जा रहे हो ना, ऑब्वियसली थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए जा रहे हो, सो यू कैन यूज़ एनी हेयर स्प्रे एंड इसको हल्का सा मारा ताकि थोड़े से सेट हो जाए एंड देन मैंने इसको और उठाना शुरू किया ताकि थोड़ा थोड़ा उठ जाए। एक एक जो लेयर मैंने बनाई थी ना उसको मैं स्पेसिफिकली ऐसे उठा रही हूँ एंड मुझे यहाँ से भी एक निकालनी चाहिए थी, ज़्यादा बेटर लगता, बट नेवर माइंड। एज आई टोल्ड यू आई एम अ नूब, मैं भी सीख रही हूँ आप भी सीख रहे हैं एंड दिस इज़ फॉर लाइक नॉट फॉर प्रो गर्ल्स, जो इतनी प्रो नहीं होती ना हेयर स्टाइलिंग के अंदर, उनके लिए ईजी रहता है। कमिंग टू हेयर स्टाइल नंबर 3 जो है पूफ, हम सबका फेवरेट। लाइक मेरे स्कूल टाइम पे तो जो पूफ होता था ना उसका एक मतलब स्टाइल ही अलग था, उस टाइम मैक्सिमम लड़कियाँ यही बना के जाती थी एंड आज भी जो इंडियन काइंड ऑफ फंक्शंस होते हैं जब आप मांग टीका लगाते हो तो वो जो पूफ बना होता है काफ़ी अच्छा लगता है। सो नॉर्मली आप जब पार्लर्स एंड ऑल पे जाओगे आप घर पे भी क्या करते हो, आप बाल लेते हो एंड बैक कॉम्बिंग करते हो एंड बैक कॉम्बिंग इज नॉट गुड फॉर योर हेयर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाल एक्यूमुलेट हो जाते हैं, फिर नेक्स्ट डे जब हेयर वॉश करते हो हेयर लॉस होने का चांस होता है, वैसे ही बैक कॉम्बिंग अच्छी नहीं है। सो उसका सबसे बेस्ट जो हैक है ना वो है ये बेसिकली एक हेयर प्रूफ काइंड ऑफ आता है। ये मैंने अपने एरिया के लोकल मार्केट से लिया था, लाइक 10-20 रुपीज का मुझे उस टाइम पड़ा था, लेकिन ऐसा एक सेट सेम अमेजोन पे भी अवेलेबल है, आप चाहोगे तो मैं नीचे लिंक कर दूंगी, काफी अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल है। उसके अंदर 3 साइज आते हैं, छोटा बड़ा एंड बड़ा, ऐसे मैंने मीडियम साइज लिया था अपने लोकल मार्केट से। आईब्रो का आग जाता है, आप वो वाला क्राउन एरिया अगर लोगे तो आपका फेस जो है वो बहुत अच्छा स्कल्प्ट होता है। दिस इज लाइक अ ट्रिक टू पिक योर एरिया फॉर अ पूफ एंड ये मैंने खाली फ्रंट के बाल लिए एंड इसमें क्या ऐसे वेलक्रो लगी हुई है, आई होप माई कैमरा कैन फोकस, इसमें ऐसे यहाँ पे वेलक्रो लगी हुई है, कैन यू सी। सो इस वेलक्रो के ऊपर ही बाल स्टिक हो जाते हैं। सो पीछे की साइड पे यहाँ पे जो एरिया बचा होगा मैंने वहाँ पे इसको पीछे प्लेस कर दिया, इसमें नीचे भी वेलक्रो है बाय द वे एंड सिंस ये ब्लैक कलर का है ना तो इतना अजीब नहीं लगता बिकॉज मेरे बाल भी ब्लैक ब्राउन है, सो हल्का हल्का दिखेगा भी ना तो इतना अजीब नहीं लगेगा एंड इट लुक्स वेरी नेचुरल। अगेन टेकिंग माय क्लिप्स, 3-4 क्लिप्स मैंने अच्छे से लगा दी। अब मैंने इस पूफ को काफ़ी पीछे लगाया, अगर मैं इसको आगे लगाऊंगी ना तो काफ़ी और ऊंचा ये बन जाएगा, लेकिन मुझे इतना ऊंचा नहीं चाहिए, आई जस्ट नीड अ लिटिल बिट हाइट, इतना ज़्यादा ऊंचा नहीं चाहिए बाय द वे। एंड इसका बहुत अच्छा तरीका है मांग टीका सिक्योर करने का भी, अगर आप मांग टीका लगाने वाले ना कोई इंडियन फंक्शन में देन आप इसके अंदर ही पूफ के अंदर वो मांग टीका सिक्योर कर सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा टिक जाता है बिकॉज ये भी उसको स्टे करके रखता है एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। आई गेस मैंने हल्के से टेढ़ा कर दिया, लेट मी जस्ट चेक, टेढ़ा तो नहीं है, नहीं टेढ़ा नहीं है एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। ओल्ड डेज याद आ गए मुझे स्कूल के, जब पूफ बना के जाते थे ना हमारे टीचर्स हमें डांटती थी कि ये वाला हेयर स्टाइल नहीं चलेगा स्कूल में, अलाउड नहीं है। अगेन इन ये वाले बालों का आप स्ट्रेट कर सकते हो, हल्का का बेबी कर्ल करोगे ना तो बहुत अच्छा लगता है, एकदम बेंडिंग काइंड ऑफ आपका लुक बन जाता है। आई गेस मैंने अपनी ब्रदर की शादी पे भी यही हेयर स्टाइल किया था, मैंने ऐसा पूफ बनवाया था एंड पार्लर वाली आंटी ने बैक कॉम्बिंग कर करके मेरे बालों को बर्बाद कर दिया था, बट दिस इज अ बेटर ऑप्शन अगर आप घर में कर रहे हो ना, 10-20 रुपीज का आता है एंड आपके बाल भी बच जाते हैं। कमिंग टू 4th हेयर स्टाइल जो आजकल काफी ज्यादा इन है, लेकिन ये बहुत पुराना पहले भी होता था बिकॉज इसके लिए हमें चाहिए होती है क्लॉक क्लिप, इसको क्लॉक क्लिप बोलते हैं फिर क्लचर, ये मेरे पास बहुत पुराना पड़ा हुआ है एंड थैंकफुली मैंने रखा हुआ था बिकॉज अभी दोबारा फैशन में आ गया है। सो आपको कुछ नहीं करना, ये हेयर टाई वाला बेसिकली हेयर स्टाइल है, सो गर्मियों के अंदर परफेक्ट रहेगा। मैं पीछे मुड़ जाती हूँ सो दैट यू कैन सी। सो ऐसे मैंने अपने बालों को टाई किया फ्रंट से, आप अगर पार्टीशन करना चाहते हो कर सकते हो, मैं बालों को टाई कर रही हूँ बिकॉज मुझे ज़्यादा नीट लगता है बालों को टाई करने के बाद, अगर मैं खुले बालों पे लगाऊंगी तो इतना नीट नहीं आएगा। इस क्लॉक क्लिप को लिया एंड अच्छे से लगा दूंगी ताकि मेरे बाल पूरे अच्छे से कवर हो जाए। आई होप कैमरा में फोकस हो रहा होगा बिकॉज आई हैव नो आइडिया मेरा कैमरा फोकस कर रहा है या नहीं कर रहा। एंड देन इसको ऐसे पीछे की तरफ कर दिया, दिस इज लाइक वेरी 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 इन ट्रेंड आजकल, बिल्कुल लूज वाला जो फैशन है ना ये हद से ज़्यादा ट्रेंड में है एंड इट इज़ सो ईजी टू डू, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ऐसे इसको छोड़ देना है। मैंने आप पार्टीशन कर लिया, लेकिन आप इसको फ्लैट रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा एंड हल्के हल्के आप बाल निकाल सकते हो, बट एज अ सेड आई वोंट प्रेफर राइट नाउ बिकॉज मैं बाल निकालूंगी
तो मैं उनको टच करती रहूंगी एंड उसकी वजह से फेस भी टच होगा एंड वी आर मेकिंग श्योर कि हम अपना फेस अननेसेसरी टच ना करें। मेरे हल्के से लंबे बाल हैं तो ये नीचे तक आ रहा है, अगर आपके और छोटे बाल हैं तो ये खाली इतना इतना दिखेगा एंड इट लुक्स वेरी वेरी स्टाइलिश। एक तरह से रेज्ड वाली पॉइंटेड लगती है एंड आपकी क्लिप जो होती है वो काइंड ऑफ हाइड हो जाती है, वो इतनी ज़्यादा विजिबल नहीं होती, बट आजकल फैंसी क्लिप्स का शौक है तो आप ऑनलाइन खरीद सकते हो। कमिंग टू द लास्ट हेयर स्टाइल मैं फटाफट करके दिखाने वाली हूँ बिकॉज मेरी कैमरा की बैटरी लो होने वाली है। ये है मेसी बन और ये मैंने अपनी फेवर के ऊपर भी किया था, बहुत अच्छा लगता है। सो फ्रंट से आप ऐसे पार्टिशनिंग कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो एंड कुछ नहीं करना मेसी बन के लिए आपको। नॉर्मल आप जब हेयर टाई करते हो आप ऐसे बाल निकालते हो ना, आपको पूरे बाल नहीं निकालने, आपको हाफ तक लेके जाना है एंड अपने बालों का बेसिकली यहाँ से जो भी लंबे बाल हैं मेरे सबको मैं इकट्ठा कर लूँगी। एंड सिंस ये मेसी बर्न है तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो कि कितना नीट एंड ऑल बनेगा। एंड जो ये बची हुई हेयर बैंड है उसको मैंने लॉक कर दिया इन बालों के साथ एंड जो भी एक्स्ट्रा स्टैंड थी आप उसको लॉक कर सकते हो अपने बालों के अंदर ही। एंड इसी जो अंदर के बर्न है उसको मैं स्ट्रेच कर रही हूँ बिकॉज ये मेसी बर्न है तो उसको हल्का हल्का मेसियर बनाना है और ताकि हेयर बैंड भी ज़्यादा विजिबल ना हो, खाली बन बन विजिबल हो। एंड ये बिल्कुल मतलब हार्डली 30 सेकेंड भी नहीं, आई वुड से लिटरली 20 सेकेंड में कभी कभी ये बन जाता है एंड या इट लुक्स वेरी कूल। जो समर आउटफिट्स होते हैं उसके साथ ये बहुत अच्छा लगता है, इट लुक्स लाइक दिस। आप साइड में बनाना चाहते हो आप साइड में बना सकते हो। एंड जो मैंने हेयर स्टाइल नंबर 1 में ट्विस्ट बताए थे ना आपको हेयर स्टाइल नंबर 2 में, आप वो सेम ट्विस्ट यहाँ पे बना के यहाँ पे मेसी बन बना सकते हो एंड आपकी एक वेडिंग लुक क्रिएट हो जाती है अगर आप साड़ी के साथ मेसी बन क्रिएट करना चाहते हो। एंड दैट इज फॉर टुडेज वीडियो, बैटरी लो होने वाली है, फटाफट मैं खत्म कर दूंगी। मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना आपने हेयर मास्क कौन सा ट्राई किया मामाअर्थ में से, या फिर आप कौन सा हेयर मास्क सबसे अच्छा यूज कर रहे हो, या फिर जो मैंने हेयर स्टाइल्स बताए उसमें से आप कुछ यूज करते हो, या फिर आपने कभी ट्राई किया है नहीं किया। अगर आप इनमें से कोई भी हेयर स्टाइल अगर ट्राई करने वाले हो मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर टैग कर देना, डू लेट मी नो अगर आपको पसंद आता है नहीं आता। आई एम नॉट अ प्रो, मैंने लेजी गर्ल वाले इजी हेयर स्टाइल्स आपको बताए हैं। इन फ्यूचर अगर मैं और अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल ट्राई करती हूँ जो थोड़े से मुश्किल हो लेकिन अच्छे लगते हो, मैं डेफिनेटली आपको बताने वाली हूँ। एंड आई होप यू लव दिस वीडियो, मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन, यू आर अ पार्ट ऑफ माई फैमिली। इंस्टाग्राम के ऊपर एक बहुत अमेजिंग गिवअवे चल रहा है, सो गो एड एंड फॉलो मी देयर ऑन इंस्टाग्राम। नीचे मैं इंस्टाग्राम का लिंक भी दे दूंगी, गो देयर एंड फॉलो मी, वहाँ आपको बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज भी मिल जाएंगे मेरी स्टोरीज के ऊपर। सो मेक श्योर यू पार्ट ऑफ माई फैमिली देयर एज वेल एंड दैट इज फॉर टुडेज़ वीडियो, आई होप यू लव्ड इट, बाय बाय।